साल 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब कई नेताओं के हैं, नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी और राहुल गांधी तक। यह लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इनमें एक नाम दक्षिण भारत की राजनीति से भी शामिल है, जिसकी महत्वाकांक्षाएं अक्सर हिलोरे मारते हुए दिल्ली तक पहुंच जाती है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। राव की प्रधानमंत्री पद के लिए महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है, और इसी कड़ी में उन्होंने अपनी पार्टी को राज्य से बाहर निकालकर पूरे देश में पहुंचाने के लिए दशहरा के शुभ अवसर पर उसका नाम बदल दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी BRS कर दिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस अहम मौके पर उनकी पार्टी के भीतर पनप रही आंतरिक कलह और मतभेद सामने आ गए हैं। राष्ट्रीय पार्टी BRS के लॉन्चिंग के मौके से चंद्रशेखर राव की बेटी और TRS की सीनियर नेता के कविता नदारद रहीं। कविता न केवल हाई प्रोफाइल इवेंट से गायब थीं, बल्कि उनका नाम आगामी मुनुगोड़े उपचुनाव के लिए TRS के प्रभारी की सूची से भी गायब मिला है। इससे साफ पता चलता है कि राव के घर और पार्टी दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है। अब इन महत्वपूर्ण मौकों से कविता की अनुपस्थिति ने कई आशंकाओं को जन्म भी दे दिया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी है कि KCR के घर में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि BRS को असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और कर्नाटक की JDS जैसे क्षेत्रीय दलों का समर्थन हासिल है, लेकिन अपनी ही पार्टी में अपने लोगों के मतभेदों की वजह से राव मुश्किलों में घिर गए हैं। वहीं पार्टी को लेकर के चंद्रशेखर राव के परिवार में मतभेद को उस समय बल मिल गया जब के कविता घर पर दशहरा मनाती हुई नजर आई। कविता ने दशहरा के अवसर पर प्रार्थना करते हुए अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है। कविता ने एक ट्वीट करते हुए कहा, दशहरा के इस शुभ दिन पर हमने घर पर आयुध पूजा की है। राष्ट्रीय पार्टी के लॉन्चिंग के समय कविता की अनुपस्थिति और मुनुगोड़े उपचुनाव के लिए पार्टी की प्रभारी सूची से नाम गायब होना TRS कार्यकर्ताओं के भीतर भी चर्चा को जन्म दे दिया है। मुख्यमंत्री KCR के बेटे KTR, जो राज्य के IT और उद्योग मंत्री भी हैं, 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी प्रभारी हैं। गौरतलब है कि KTR के नाम से मशहूर उनके भाई कल वंकुंतला तारक रामा राव भी BRS लॉन्च में मौजूद थे। हालांकि इस संबंध में कविता की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं कविता की अनुपस्थिति की चर्चा सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली है, और विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल के चंद्रशेखर राव की ओर से TRS का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किए जाने के साथ ही पार्टी के भीतर मतभेद भी सामने आ गया है, और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उन्हें उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।